आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजू ओशन पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और आप सब अपने सेफ्टी का ख्याल रखिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, बाहर निकलने पे मास्क ज़रूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, आप अपना तो अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अपने स्टडी को जारी रखिए। आज हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं जो आर्ट के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने 3 वीडियो मंदिर से प्रमुख भारतीय मंदिर के अपलोड कर दिए हैं, वो सभी आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में हम कुछ प्रमुख क्वेश्चन देखेंगे जो कि मंदिर से ही रिलेटेड है, मंदिर के टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट मंदिर यशोधरपुर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1125 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरवाट मंदिर पर किस भारतीय ग्रंथ की संपूर्ण कथा अंकित है? तो अंकुरवाट मंदिर पर रामायण की कथा अंकित है। नेक्स्ट है, अंकुरवाट मंदिर पर भारत की किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो स्थापत्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद स्थित है पगान म्यांमार में स्थित है आनंद मंदिर। नेक्स्ट है, आनंद मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? वर्मा नरेश की जित्त के शासनकाल में 1084 से 1112 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर स्तूप पर किसके जीवन गाथाओं का चित्रण किया गया है? तो बोरोबुदुर स्तूप पर बुद्ध के जीवन से रिलेटेड गाथाओं का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण नेक्स्ट है, बहाई मंदिर लोटस टेम्पल किस प्रदेश में स्थित है? ये दिल्ली में है। नेक्स्ट, बहाई मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? तो यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंग मंदिर भारत के किस नगर में है? तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरला का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिरला का मंदिर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, विठोवा का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भगवान विष्णु का मंदिर है, विठोवा का मंदिर, तो कहाँ स्थित है? ये पंढरपुर में है। नेक्स्ट है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली और गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में है? वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर जम्मू है। नेक्स्ट है, अमरनाथ धाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ धाम मंदिर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर किस वर्ष आतंकवादी हमला हुआ था? 2002 में
आतंकवादी हमला हुआ था गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर। नेक्स्ट है द्वारिकानाथ मंदिर भारत के किस राज्य में है, ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है तंजौर के मंदिरों में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो तंजौर के मंदिरों में बृहदेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, कामाख्या देवी का मंदिर असम राज्य में है। नेक्स्ट है तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के किस में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। नेक्स्ट है गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, गोमतेश्वर का मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है मुंबा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मुंबा प्रसिद्ध मंदिर मुंबई में है। नेक्स्ट है मार्तंडिका सूर्य मंदिर किस जगह स्थित है, मार्तंडिका सूर्य मंदिर कश्मीर में है। नेक्स्ट है मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य 8वीं शताब्दी में कराए थे। नेक्स्ट है मुल्तान का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है, ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कटारमल का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, कटारमल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है चित्रगुप्त का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो चित्रगुप्त का जो सूर्य मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है ओसिया का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, ओसिया का सूर्य मंदिर जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, कोणार्क राज्य में है। नेक्स्ट है महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है श्री रंगनाथ मंदिर में विष्णु के कितने चित्र बने हैं, तो विष्णु के 108 चित्र बनाए गए हैं वहाँ। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर किससे बना है, स्वर्ण सफेद संगमरमर से बना है। नेक्स्ट है अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था, अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है अक्षरधाम मंदिर में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था, तो अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 6 नवंबर 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है सात पर्वतों का मंदिर किसे कहा जाता है, वेंकटेश्वर मंदिर को सात पर्वतों का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट है किस स्थान को तीर्थों का मुख कहा जाता है, तो पुष्कर को तीर्थों का मुख कहा। नेक्स्ट है तीर्थराज किस स्थान को कहा जाता है, तो तीर्थराज प्रयाग को कहा जाता है। नेक्स्ट है जल मंदिर किस राज्य में स्थित है, जल मंदिर पावापुरी बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का आठवां आश्चर्य किसे माना जाता है, तो विश्व का आठवां आश्चर्य बोरोबुदुर स्तूप को माना जाता है। नेक्स्ट है सिद्धिविनायक मंदिर किस जगह स्थित है, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई। नेक्स्ट है मंदिरों का देश किसे कहा जाता है, मंदिरों का देश भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट है राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है, राजा रानी मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है राजा रानी मंदिर किस पत्थर से निर्मित है, तो ये पीले रंग के बालूदार पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट है सारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, सारनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है
ऐहोल की कला के विकास का आरंभ किसके काल में हुआ? तो ऐहोल की कला के विकास का आरंभ वातापी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुआ। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। नेक्स्ट है, अंकुरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? अंकुरवाट मंदिर का निर्माण कंबुज नरेश सूर्यवर्मन ने करवाया। नेक्स्ट है, ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर का पहला उदाहरण है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, यही शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है। नेक्स्ट है, कला और साहित्य की दृष्टि से किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग कितने हैं? तो गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग 5 हैं। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य 5 अंग कौन कौन? गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप तथा शिखर, यही वो 5 अंग हैं। नेक्स्ट है, मंदिर में शिखर से युक्त गर्भगृह को क्या कहा जाता है? तो मंदिर में शिखर से युक्त गर्भगृह को देउल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंदिरों में प्रमुख देवताओं की मूर्ति कहाँ स्थापित की जाती थी? तो मंदिरों में प्रमुख देवताओं की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाती थी। नेक्स्ट है, प्रकोष्ठ या अंतराल किसे कहते हैं? प्रकोष्ठ या अंतराल गर्भगृह के पहले का जो कक्ष होता है, प्रकोष्ठ या अंतराल कहलाता है। नेक्स्ट है, मंदिर गर्भगृह के ऊपर का ऊंचा शिखर क्या कहलाता है? विमान। नेक्स्ट है, मंदिर के शीर्ष भाग जहां कलश स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शिखर कहते हैं। नेक्स्ट है, पल्लव रथों में सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है? धर्मराज रथ। नेक्स्ट है, विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ मिली है? विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति मथुरा में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस नगर विदिशा में गरुण ध्वज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हेलियोडोरस ने। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों। और ये क्वेश्चंस आर्ट एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, अन्य अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।